ट्रक की बड़ी और आम खबर आपको बता रहे, जहां 12 साल से ऊपर के बच्चों को अब लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 16 मार्च से बच्चों को ये कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसी के साथ बुजुर्गों की बूस्टर डोज पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 60 साल से ऊपर के सभी लोग बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी साझा की है। तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी और इसके साथ ही 16 मार्च से बच्चों को ये वैक्सीन लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद बुजुर्गों की जो बूस्टर डोज है, इस पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं 60 साल से ऊपर के सभी लोग बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जिनकी आयु 60 साल हो गई है, तो वो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ये जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे, जहां 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी, क्योंकि कुछ समय पहले भी देखा गया था जनवरी में 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन आई थी, लेकिन अब 12 साल से जो ऊपर है बच्चे, उनको भी कोरोना की वैक्सीन लगेगी। तो वही 16 मार्च से ये बच्चों को वैक्सीन लगने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। वैक्सीन लगने लगेगी 16 मार्च से। उसके साथ ही बुजुर्ग की जो बूस्टर डोज है, इस पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है।